ये गाइस, तो अब सिर्फ दो एपिसोड्स बचे हैं शी-हल्क के और इस शो का मेन प्लॉट फाइनली आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब एपिसोड 7 का एंड डेफिनेटली इंडिकेट कर रहा है कि इंटेलिजेंसिया अपने प्लान में अब तक कामयाब रहा है और एपिसोड 8 प्रोबेबली इंटेलिजेंसिया के नेक्स्ट स्टेप पर फोकस कर सकता है। लेकिन जैसे कि शो में होते आया है, हर एपिसोड अपने आप में कंटेंट भी रहता है, सो एपिसोड 8 भी कंटेंट ही होगा और काफी चांसेस है कि डेयर डेविल इस एपिसोड में फाइनली हमें दिख जाए। तो इस वीडियो में हम इसी एपिसोड 8 के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड 7 एंड होता है जॉश के एक बड़े से रेवलेशन के साथ कि वो भी इंटेलिजेंसिया के साथ काम कर रहा है। जॉश जेनिफर से उसके मोबाइल का सारा डेटा कॉपी कर लेता है और साथ ही साथ वो हल्क किंग को एक मैसेज भी कर देता है जो प्रोबेबली इंडिकेट कर रहा है कि वो जेनिफर से उसका ब्लड एक्सट्रैक्ट करने में कामयाब हो चुका है। लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि जॉश का ये प्लान ऑर्केस्ट्रेट करने में हल्क किंग का बहुत बड़ा हाथ रहा है। ना सिर्फ वो जेनिफर का ब्लड एक्सट्रैक्ट करवाने में कामयाब रहा, लेकिन उसने जेनिफर का जॉश को ट्रैक करने का इकलौता रास्ता भी मिटा दिया। हम ब्लॉन्स्की की रिट्रीट में रेकर को दोबारा देखते हैं और फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं रेकर का एपिसोड 3 वाला, जिसमें वो और उसका रेकिंग क्रू जेनिफर पर अटैक करते हैं उसके ब्लड के लिए। ये फ्लैशबैक सिर्फ रेकर के लिए ही नहीं बल्कि उसके अटैक के प्लान की वजह से भी दिखाया गया था। जब जेनिफर जॉश का किस्सा इस पूरे ग्रुप को सुना रही होती है तब सैरेसन अचानक से जेनिफर के ब्लड की बात करता है। अब ऑब्वियसली सैरेसन एक वैम्पायर है जिसकी वजह से उसने ब्लड का टॉपिक निकाला था, लेकिन उसी वक्त रेकर जेनिफर के ब्लड के बारे में सुनकर नर्वस हो जाता है और कुछ देर बाद वो जेनिफर से जॉश का कॉन्टैक्ट ही डिलीट करवा देता है। यानी कि रेकर अभी भी हल्क किंग और इंटेलिजेंसिया के साथ काम कर रहा है। इनफैक्ट एमिल ब्लॉन्स्की का इनहिबिटर खराब होने के पीछे शायद रेकर का ही हाथ हो सकता है। उसे पता होगा कि इनहिबिटर खराब होने पर जेनिफर को इस रिट्रीट में बुलाया जाएगा जहां उसे एक चांस मिलेगा जॉश से जुड़ा वो आखिरी एविडेंस मिटा देने का। अब एपिसोड 8 का एंड प्रोबेबली हल्क किंग को टीज करेगा जो कि टॉड ही होगा मोस्टली, और वो शायद जेनिफर का ब्लड कंज्यूम भी कर लेगा। हो सकता है कि हल्क टॉड का फर्स्ट लुक हमें एपिसोड 9 में ही देखने मिले जहां उसके और जेनिफर के बीच एक फाइट होगी, कंसिडरिंग 8th एपिसोड एक और सेल्फ कंटेन्ड स्टोरी पर फोकस कर सकता है। अब तक सभी एपिसोड्स इस शो में एक तरह से सेल्फ कंटेंड ही रहे हैं और मेन प्लॉट के बारे में बस एक टीज हमें देखने मिलती है हर एपिसोड के एंड में। लेकिन एपिसोड 8 में हम फाइनली डेयर डेविल को देख सकते हैं उसके अपने सेल्फ कंटेंड स्टोरी लाइन में, और ये एपिसोड यूजीन पटिलियो एक लीप फ्रॉग को भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। अब कॉमिक्स में यूजीन पटिलियो विंसेंट पटिलियो का बेटा था जो कि एक डेयर डेविल विलन रह चुका है। यूजीन अपने डैड का नाम क्लियर करने के लिए उनका ही लीप फ्रॉग वाला सूट चुरा लेता है और सारे सुपर हीरो वाले काम शुरू कर देता है और वो अपना नाम फ्रॉगमैन रखता है। अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में यूजीन पटिलियो को प्ले करने वाले एक्टर ब्रैंडन स्टैनली ने ये रिवील किया कि अनलाइक कॉमिक बुक्स या उनका सुपर हीरो अलायस लीप फ्रॉग होने वाला है, जो कि उसके डैड विंसेंट पटिलियो का नाम था कॉमिक्स में जब वो एक डेयर डेविल विलन थे। हो सकता है कि यही प्लॉट शी हल्क में भी फॉलो हो। मैट मर्डॉक न्यूयॉर्क से एलए लीप फ्रॉग एके विंसेंट पटिलियो को ढूंढने आया हो, और क्योंकि हम यूजीन पटिलियो को एपिसोड 5 में ल्यूक जेकबसन के कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट से एक आउटफिट ले जाते हुए देखते हैं, तो प्रोबेबली यूजीन अब अपने डैड का कॉस्ट्यूम यूज कर रहा होगा क्राइम सॉल्व करने में, और तभी उसका एनकाउंटर डेयर डेविल से होगा और डेयर डेविल यूजीन को विंसेंट पटिलियो समझ कर उस पर अटैक करेगा। और हो सकता है कि ये सीन भी उसी वक्त आएगा जब शी हल्क और डेयर डेविल एक दूसरे से पार्किंग लॉट में मिलते हैं और लड़ते हैं। इधर वेज लीप फ्रॉग या फ्रॉगमैन का इस शो में आना डेफिनेटली डेयर डेविल का कॉमिक बुक वाले कनेक्शन की वजह से ही पॉसिबल लग रहा है, अनलेस कि उसका खुद का कोई केस जेनिफर लड़ने वाली हो, जिसके चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं कंसिडरिंग अब सिर्फ 2 ही एपिसोड्स बचे हैं और एक एपिसोड डेफिनेटली डेयर डेविल पर फोकस करेगा। लेकिन क्योंकि ये एक लॉयर शो भी है तो डेफिनेटली हम मैट मर्डॉक को भी केस लड़ते हुए देखेंगे, प्रोबेबली जेनिफर के ही खिलाफ। जैसे कि मैंने अपने पिछले थियरी वीडियो में बताया था, ल्यूक जेकबसन जिसने जेनिफर का सुपर हीरो आउटफिट बनाया था उसी ने डेयर डेविल के मास्क पर भी काम किया है। हो सकता है कि वो मैट मर्डॉक का क्लाइंट हो और किसी ने उसके ऊपर केस किया हो, और जिसने भी ल्यूक पे केस किया होगा वो प्रोबेबली जेनिफर का क्लाइंट होगा, जिसके चलते मैट और जेनिफर एक दूसरे के अगेंस्ट आ जाएंगे कोर्ट रूम में। और प्रोबेबली जिसने भी केस किया है ल्यूक के ऊपर वो और कोई नहीं बल्कि यूजीन के डैड विंसेंट पटिलियो हो सकते हैं, जिन्होंने अपना कॉस्ट्यूम गायब होने की वजह से ल्यूक पे केस किया होगा। ये सिर्फ एक थियरी है, लेकिन इसी तरह ये सभी कैरेक्टर्स ना सिर्फ इस बैटल में बल्कि कोर्टरूम में भी एक साथ रेलेवेंट हो जाएंगे। सो लेट्स सी। और भले ही ब्लॉन्स्की का रिट्रीट वाला एपिसोड रिलीज हो चुका है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं ट्रेलर से कि वो इसी रिट्रीट पर दोबारा अबोमिनेशन भी बनने वाला है, और इवन टाइटेनिया भी उस जगह पर हमें दिखने वाली है। अनलेस कि मार्वल ने वो सीन डिलीट कर दिया हो, हम ये इवेंट भी एपिसोड 8 में देख सकते हैं। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि एपिसोड 7 ने लॉयर अवार्ड्स को भी टीज किया था, जिसकी ग्लिम्स
हमने कई बार ट्रेलर्स में देखी है। काफी चांसेस है कि लॉ एंड ऑर्डर प्रोबेबली फाइनल एपिसोड में हमें देखने मिले, जहां शायद शी हल्क और टॉड की फाइट होगी उसके हल्क फॉर्म में। तो ये थी मेरी थियरी एपिसोड 8 को लेके। आपके हिसाब से डेयर डेविल या एलएमए किसे ढूंढने आया है? अपनी थियरीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं, हमारे रीसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे सेफ।